नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एगलेस स्पॉन्जी केक। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और इसे हम आज ओवन या कुकर में बेक नहीं करेंगे, इसे हम आज कढ़ाई में बेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें लिया है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये मैंने आधा कप पाउडर शुगर लिया है, ये मैंने 2 बड़े चम्मच दही है, वनीला एसेंस है, ये आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा है, ये 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच बटर है, थोड़े से सजाने के लिए चेरी है और आधा कप दूध है। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। केक बनाने के लिए पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप नमक डाला है जिसे थोड़ा सा फैला लिया है। अब इसे गैस जला देते हैं और हम इस पर एक स्टैंड रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे, मीडियम फ्लेम पे। चलिए गर्म हो रहा, अब हम केक का बैटर बना लेते हैं उसमें हम सबसे पहले ये बटर डालेंगे। ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये चीनी डाल देंगे। चीनी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अब हमें इसे फेंटना है। इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट फेंटना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। अब देखिए ये फ्लफी हो चुका है। मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए डिस्क किया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिला लिया है, अब हम इसे साइड कर देंगे। अब हम दूसरा बाउल लेंगे, इसमें हम ये मैदा डालेंगे, उसमें हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे और हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम पहले का मिक्सचर लेंगे। अब हम इसमें इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसे चलाएंगे। इसे हमें जोर जोर से नहीं चलाना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। दूध हमें एक ही बार नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि बैटर हमें गीला नहीं चाहिए। थोड़ा सा दूध हमें और चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 से 4 ड्रॉप वेनिला एसेंस का ऐड किया है। तो हम इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। देखिए हमारा बैटर अच्छी तरह से मिल गया है। हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इस चेरी को इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा ऊपर से डालेंगे।
इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, साइड कर देते हैं। और हम इस तरह एक केक कटे हुए हैं, इसे मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, इसे हम पूरी तरह से फैला लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप केक के टिन में बटर का पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बटर पेपर लगा दें, उसके बाद आप अपना बैटर इसमें डाल दें। देखिए मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालना है, इसे इस तरह से फैला देना है, इस तरह से। अब हम अपना बैटर को इसमें पोर करेंगे। बैटर घोलने के बाद हमें वेट नहीं करना है, इसे जल्द ही बेक करने के लिए डालना होगा। इसे हम फैला देते हैं। थोड़ा सा इस तरह से टैप कर देते हैं, ऊपर से हम थोड़ा सा चेरी डाल देंगे जिसे देखने में अच्छा लगे। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। हो चुका है, अब हम इसे आराम से इसका कवर हटाएंगे। बहुत ही गर्म है। अब हम इस टीन को इसमें रखेंगे इस पे आराम से, और इसे कवर कर देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से कवर करना है। कवर करके हमें इसे 20 से 25 मिनट तक इसमें बेक करने देना है, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा केक बना या नहीं। तो चलिए 20 से 25 मिनट बेक होने देते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं हमारा केक पका या नहीं। इसका ढक्कन बहुत ही गर्म है, आराम से हमें उठाना है। देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप एक स्पून ले लीजिए और उसे बीच में डाल के देखिए। देखिए ये क्लीन निकल गया है। क्लीन निकलना यानी हमारा केक पक चुका है। अगर इसमें बैटर हमारा लगा रहता तो आप इसे कवर करके और 10 से 15 मिनट पकने के लिए दें। तो चलिए हमारा केक बन गया, हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए मैंने केक को निकाल लिया है, यह थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। अब देखिए टिन ठंडा हो गया है, अब हम एक चाकू की मदद से साइड साइड इसका इस तरह से करके इसे लूज कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, इस तरह से दबाते हुए हमें इसका प्लट देना है। देखिए हमारा केक बन चुका है, बहुत ही अच्छा केक बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी है, मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही स्पॉन्जी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए बहुत ही अच्छी केक बनी है, इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।